हेलो गाइस, कैसे हो। आज हम स्टार्ट करेंगे देखो फ्रैक्शनल डेसिमल का एक्सरसाइज 2.2 के लिए जो थ्योरी चाहिए वो ही ये वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्या है, मल्टीप्लिकेशन बाय होल नंबर का जो थ्योरी था, बा होल नंबर से कोई फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करो वो वाला हम 2.1 में कवर करके आए हैं। अब क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय ए फ्रैक्शन। देखो बाय ए फ्रैक्शन वो था बाय ए होल नंबर। तो क्या है देखो, वो 2.1 का एक्सरसाइज में ए अप्लाई हुआ था, मैं थोड़ी सी बोल रही थी उधर, तो चलो अब एक्सप्लेन करके बोलते हैं। क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमरेटर्स प्रोडक्ट ऑफ देवर डिनोमिनेटर्स। ठीक है, बहुत ही इजी है मल्टीप्लीकेशन। तो जैसे देखो, एक मैंने फ्रैक्शन ले लिया ए बाई बी, दूसरा फ्रैक्शन सी बाई डी, तो ए दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने से हमें रिजल्ट क्या मिलेगा। देखो इक्वल टू न्यूमिनेटर में क्या है, ए इंटू सी। ठीक है, देखो न्यूमिनेटर में क्या है, न्यूमिनेटर में है ए इंटू सी। जो था हमारा क्वेश्चन पार्ट में, जो था दो फ्रैक्शन में अलग अलग न्यूमिनेटर जो था, रिजल्ट में क्या होगा, एक साथ मल्टीप्लाई होके हम लिखेंगे तो ए इंटू सी, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, सेम ही होगा देखो बी इंटू डी। ओके, तो ए हो गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन का रूल। अब क्या है, एक एग्जाम्पल में देख लेते हैं। देखो 3/4 इंटू 5/7 इक्वल टू क्या है, देखो 3 5 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3 इंटू 5। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में क्या होगा, 4 इंटू 7, 4 इंटू 7। अब 3 इंटू 5 15 होता है, सबको पता है, 4 इंटू 7 28 होता है, सबको पता है। तो ए हो गया हमारा एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन। ठीक है, तो चलो और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे ये तो क्या था, प्रॉपर फ्रैक्शन था, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, देखो 4/3 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन 3/4 होगा तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 4/3 होगा, 4 न्यूमिनेटर होगा, 4 3 से बड़ा नंबर है, इंटू सेम ही नंबर 7/5 कर दिया, तब क्या होगा, देखो 4 इंटू 7/3 इंटू 5 इक्वल टू 28/15। अब क्या करोगे, देखो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हो, कर सकते हो, बाय ए भी छोड़ सकते हो, वो भी राइट आंसर है। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है देख लेते हैं। ओ ट्राई दिस है, ये हम एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। क्या है देखो, फाइंड फाइंड क्या है, मैं इसको कर लेती हूँ। तो चलो फाइंड 1/3 × 4/5, तो लिखो 1/3 × 4/5 इक्वल टू क्या होगा, बोलो 1 × 4 3 × 5, न्यूमिनेटर इंटू न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, तो आंसर क्या होगा, 1 × 4 4 3 × 5 15। अब देखो दूसरा क्या है, 2/3 × 1/5, तो 2/3 × 1/5 इक्वल टू क्या होगा, न्यूमिनेटर में 2 × 1 होगा, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, देखो फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर में क्या है 3, सेकेंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर में क्या है 5, तो 5, तो देखो 2 × 1 हाउ मच, 2 × 1 2, और 3 × 5 15, तो ए हमें मिल गया हमारा आंसर। ओके, तो चलो नेक्स्ट स्लाइड में क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन, इसका कुछ टिप्स, यही टॉपिक चल रहा है उसका, मैंने 2 टिप्स दिया, तो टिप्स क्या है देख लेते हैं। देखो इफ द फ्रैक्शन
चेंज कर लेते हैं। इफ द न्यूमरेटर्स ऑफ टू फ्रैक्शन आर सेम, देखो न्यूमरेटर्स ऑफ टू फैक्टर्स आर सेम, देन द फ्रैक्शन हैविंग स्मॉलर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर फ्रैक्शन। तो देखो इसमें एग्जाम्पल मैंने क्या लिया, देखो देखो टू फ्रैक्शन मैंने ले लिया, एक फ्रैक्शन एक फ्रैक्शन। अब क्या है, टू फ्रैक्शन का न्यूमरेटर देखो बोथ आर थ्री। अब देखो ये जो टू फ्रैक्शन मैंने ले लिया उसका न्यूमरेटर बोथ आर थ्री है, तो कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा फ्रैक्शन छोटा है ये डिपेंड करेगा डिनोमिनेटर के ऊपर, क्योंकि न्यूमिनेटर तो सेम है तो डिनोमिनेटर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो कैसे डिपेंड करेगा वो देखो, वो बोल रहा है द फ्रैक्शन हैविंग स्मॉलर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर फ्रैक्शन। तो देखो डिनोमिनेटर में क्या क्या है, 8 है और 14 है, ठीक है, तो इन दोनों में से स्मॉलर फ्रैक्शन 8 और 14 में से स्मॉलर कौन सा है बोलो, 8 स्मॉलर है ठीक है, 14 ग्रेटर है, तो जो भी स्मॉलर है स्मॉलर डिनोमिनेटर जो भी है वो ही फ्रैक्शन ग्रेटर होगा। इसलिए देखो इसलिए क्या है, इसलिए देखो 8 क्या है स्मॉलर फ्रैक्शन है, इसलिए 3/8 ग्रेटर फ्रैक्शन है। ओके 3/8 ग्रेटर फ्रैक्शन। तो चलो ये टिप्स हम याद रखेंगे क्या है, और एक बार मैं रिवाइज कर देती हूँ। दो फ्रैक्शन तुम्हें मिला है दोनों का न्यूमिनेटर सेम है, जैसे देखो 7/11 7/13 तुम्हें मिला है, तो तुमने फर्स्ट देखा जे 7/7 है, तो ठीक है न्यूमिनेटर के ऊपर तो कुछ भी नहीं डिपेंड कर रहा है। अब क्या कौन सा बड़ा फ्रैक्शन है कौन सा छोटा फ्रैक्शन है वो देखने के लिए हमें डिनोमिनेटर चेक करना पड़ेगा। तो फर्स्ट वाला मैंने क्या बोला 7, फर्स्ट वाला मैंने बोली हूँ 7/11, और सेकेंड वाला क्या है 7/13। तो ए 11 और 13 में से व्हिच वन इज ग्रेटर व्हिच वन इज स्मॉलर, ऑफकोर्स 11 स्मॉलर नंबर, ठीक है। तो क्या होगा, ए जो स्मॉलर नंबर है 11 वो जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है वो ही फ्रैक्शन ग्रेटर, यही बोल रहा है टिप्स वन में। तो देखो ए मैं कोमा हटा के क्या साइन डाल रही हूँ, ग्रेटर देन साइन डाल रही हूँ, क्योंकि ये डिनोमिनेटर 11 स्मॉलर डिनोमिनेटर। तो नेक्स्ट टिप्स क्या है, देखो नेक्स्ट टिप्स है इफ द डिनोमिनेटर्स, देखो फर्स्ट फर्स्ट में क्या था इफ न्यूमिनेटर्स ऑफ टू फ्रैक्शन, अब सेकेंड में क्या है इफ डिनोमिनेटर्स ऑफ टू फ्रैक्शन ओके आर सेम, देन द फ्रैक्शन हैविंग ग्रेटर नंबर इज ग्रेटर फ्रैक्शन। तो देखो क्या है, फर्स्ट क्या था न्यूमिनेटर सेम, और सेकेंड टिप्स में डिनोमिनेटर सेम। तो देखो डिनोमिनेटर सेम मैंने लिखा, ए देखो 7 है ए देखो 7 है, तो दो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम है। अब क्या करना है व्हिच वन इज ग्रेटर वो देखने के लिए अब क्या चेक करना पड़ेगा, ऑब्वियसली न्यूमिनेटर चेक करना पड़ेगा। तो देखो उधर क्या था, हैविंग स्मॉलर डिनोमिनेटर फर्स्ट टिप्स में था ग्रेटर फ्रैक्शन, लेकिन नहीं इधर उल्टा होगा, क्या होगा हैविंग ग्रेटर न्यूमिनेटर ग्रेटर फ्रैक्शन। ओके जो न्यूमिनेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो देखो इसमें देखो 4 है और 2 है, तो ऑब्वियसली 4 ग्रेटर देन 2, सो क्या होगा 4/7 ग्रेटर देन 2/7। इज इट क्लियर, कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं क्लियर कर दूंगी। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड में क्या है देख लेते हैं, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट क्या है देखो क्या बोल रहा है, व्हेन टू प्रॉपर फ्रैक्शन आर मल्टीप्लाइड, व्हेन टू प्रॉपर फ्रैक्शन आर मल्टीप्लाइड द प्रोडक्ट इज लेस देन ईच ऑफ द फ्रैक्शन। तो देखो क्या, इधर देखो मैंने 2/3 एंड 4/5 टू फ्रैक्शन ले लिया, ठीक है, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो अभी तुम्हें प्रोडक्ट मिलेगा, दो फ्रैक्शन का प्रोडक्ट मिलेगा। ओके तो चलो
दोनों फ्रैक्शन का प्रोडक्ट क्या है वो हम देख लेते हैं। 2/3 × 4/5 करने से हमें 8/15 मिला। कैसे मिला देख लो, 2 × 4 और डिनोमिनेटर में क्या होगा 3 × 5 होगा, इसलिए देखो 2 × 4 क्या होता है 8 होता है, ओके। और 3 × 5 क्या होता है 15 होता है, ए 15 हो गया, ओके। तो ए हो गया हमारा प्रोडक्ट, ओके, ए हो गया हमारा प्रोडक्ट 8/15, ठीक है 8/15। अब देखो हमें जो प्रोडक्ट मिला 8/15, वो ए जो हमारा 8/15 जो मिला, ये जो हमारा इंडिविजुअल फ्रैक्शन है 2/3 और 4/5, ये क्या है 8/15, ये प्रोडक्ट 2/3 और 4/5 से छोटा है, ये बोल रहा है हमारा ये थ्योरी, ठीक है। इसलिए देखो 8/15 < 2/3, 8/15 < 4/5, ये याद रखना। देखो ए छोटा है कि नहीं है ए हम एक बार देख लेते हैं, कैसे देखेंगे। देखो मैंने एक थ्योरी बोल रही थी ना, जब टू फ्रैक्शन है तो डायगनली मल्टीप्लाई करो, तो इसके साथ ए मल्टीप्लाई करने से क्या होगा बोलो, सॉरी सॉरी ए नहीं होगा, ए 4/5 के साथ हम नहीं कंपेयर करेंगे, किसके साथ कंपेयर करेंगे हम प्रोडक्ट वैल्यू के साथ। प्रोडक्ट वैल्यू क्या है 8/15, तो 8/15। हाँ अब देखो डायगोनली मल्टीप्लाई करो, 2 × 15 क्या होता है 30 और 3 × 8 क्या होता है 24, तो 30 ऑब्वियसली ग्रेटर देन 24, तो 30 जब ग्रेटर हो रहा है तब क्या 30 के रिप्रेजेंट कर रहा है 2/3 को, तो 2/3 ग्रेटर होगा 2/3 ग्रेटर देन 8/15। देखो यही मैंने लिखा, ठीक है 8/15 को लेस देन किया, तो ये 8/15 लेस देन में है। सिमिलरली ए एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, देखो क्या है 4/5 और 8/15, ठीक है। तो देखो डायगोनली क्या करो, मल्टीप्लाई करो, 15 × 4 क्या होता है 60, और ए दोनों को मल्टीप्लाई करने से 5 × 8 = 40, तो व्हिच वन इज ग्रेटर 60, 60 मतलब 4/5 > 8/15, देखो 8/15 यही बोल रहा है। तो देखो अदर वर्ड में क्या बोल रहा है ये देख लेते हैं, अदर वर्ड में क्या बोल रहा है ये हम देख लेते हैं। तो देखो वी से द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू प्रॉपर फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन ईच ऑफ टू फ्रैक्शन, तो वही बात थोड़ा इजी वे से बोल रहा है सेकेंड स्टेटमेंट में, क्या फर्स्ट में था टू प्रॉपर फ्रैक्शन आर मल्टीप्लाइड द प्रोडक्ट लेस देन ईच ऑफ देयर फ्रैक्शन, और सेकेंड स्टेटमेंट क्या है सेम ही है, द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू प्रॉपर फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन ईच ऑफ टू फ्रैक्शन, ठीक है स्मॉलर ही हो रहा है प्रोडक्ट। तो नेक्स्ट स्लाइड में क्या है देख लेते हैं, चलो देखो ए क्या हुआ, ए जो मैंने बोल रही थी देखो प्रोपर फ्रैक्शन, टू प्रोपर फ्रैक्शन था, ठीक है टू, देखो टू प्रोपर फ्रैक्शन का बाद में कर रही थी। नेक्स्ट लाइन में क्या होगा टू इम्प्रोपर फ्रैक्शन का, तो वो क्या होता है चलो देख लेते हैं। देखो द प्रोडक्ट ऑफ टू इम्प्रोपर फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन ईच ऑफ द टू फ्रैक्शन, और क्या है द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू इम्प्रोपर फ्रैक्शन इज मोर देन ईच ऑफ टू फ्रैक्शन। तो देखो जब टू प्रॉपर फ्रैक्शन था तब क्या वो जो प्रोडक्ट का वैल्यू था वो इंडिविजुअली ईच प्रोडक्ट से लेस देन था, अब इम्प्रोपर जब इम्प्रोपर फ्रैक्शन आ रहा है तब जो प्रोडक्ट आ रहा है वो इंडिविजुअली फ्रैक्शन का फ्रैक्शन से ग्रेटर वैल्यू है। तो चलो एग्जाम्पल से देख लेते हैं, देखो 7/2 5/3, इधर थर्ड देखो
इम्प्रोपर, इधर था प्रोपर फ्रैक्शन 2/3 4/5, इधर मैंने इम्प्रोपर फ्रैक्शन ले लिया। इम्प्रोपर फ्रैक्शन का डेफिनेशन तो पता ही है क्या है, डिनोमिनेटर छोटा होगा न्यूमिनेटर से, तो डिनोमिनेटर देखो 2 and 3 smaller than 7 and 5, तो इम्प्रोपर फ्रैक्शन हो गया। अब देखो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हुआ, 7/2 into 5/3, तो 7 into 5 करने से क्या 35 आ रहा है और 2 into 3 करने से 6 आ रहा है, ठीक है। तो हमें हमारा प्रोडक्ट मिल गया 35/6। अब देखो थ्योरी क्या बोल रहा है, हमें जो प्रोडक्ट मिला 35/6, ये क्या 7/2 से गेटर है और 35/6 5/3 से गेटर है, जो प्रोपर फ्रैक्शन में था उसका जस्ट उल्टा है इम्प्रोपर फ्रैक्शन में, ठीक है। इसमें प्रोडक्ट प्रोडक्ट का वैल्यू ही ज्यादा है, तो ए हो गया हमारा इम्प्रोपर फ्रैक्शन। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट लाइन में है एक प्रोपर फ्रैक्शन एक इम्प्रोपर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, तो चलो देख लेते हैं। देखो द प्रोडक्ट ऑफ ए प्रोपर फ्रैक्शन एंड एन इम्प्रोपर फ्रैक्शन इज लेस देन इम्प्रोपर फ्रैक्शन एंड ग्रेटर देन प्रोपर फ्रैक्शन, तो देख रहे हो ये क्या है, ये पूरा उलट पलट हो गया। कैसे, देखो दो प्रोपर फ्रैक्शन को जब तुम मल्टीप्लाई कर रहे थे तो तुम्हें जो रिजल्ट मिला वो क्या हुआ था, वो लेस देन हो रहा था, ठीक है, वो लेस देन हो रहा था ईच फ्रैक्शन का। लेकिन देखो इसमें जब तुम एक प्रोपर फ्रैक्शन एंड एक इम्प्रोपर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हो तब जो तुम्हें प्रोडक्ट मिला वो प्रोडक्ट क्या होगा, देखो वो प्रोडक्ट होगा प्रोपर फ्रैक्शन से बड़ा और इम्प्रोपर फ्रैक्शन से छोटा। मतलब हम दो थ्योरी में जो सीख के आए हैं, जो प्रोपर फ्रैक्शन से क्या छोटा होगा प्रोडक्ट, प्रोपर फ्रैक्शन का प्रोडक्ट, वो इधर उल्टा हो गया, इधर प्रोडक्ट प्रोपर फ्रैक्शन से ज्यादा हो गया और इम्प्रोपर फ्रैक्शन से क्या होगा, कम हो गया। तो देखो एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं तो और भी क्लियरली समझ जाएगा। ए हो गया 2/3 एक प्रोपर फ्रैक्शन और 7/5 एक इम्प्रोपर फ्रैक्शन। अब देखो 2/3 और 7/5 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा हमें, 14/15। अब देखो प्रोपर फ्रैक्शन क्या है, प्रोपर फ्रैक्शन है 2/3, तो देखो ए 2/3 14/15 से छोटा हो रहा है। देखो 2/3 हो रहा है प्रोडक्ट वैल्यू से छोटा नंबर, लेकिन देखो जब हम ए कर रहे थे 2/3, देखो 2/3 जब दो प्रोपर फ्रैक्शन मल्टीप्लाई कर रहे थे तो 2/3 क्या ग्रेटर साइड में था, देखो ए ओपन साइड में था, ओपन साइड में था 2/3 8/15 ऐसे था। लेकिन अब देखो 2/3 स्मॉलर साइड में है, ए बोलने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। अब देखो इम्प्रोपर फ्रैक्शन, इम्प्रोपर फ्रैक्शन क्या है, 7/5 गेटर साइड में चला गया और प्रोडक्ट लेफ्ट साइड में है। लेकिन जब दो इम्प्रोपर फ्रैक्शन था तब क्या हुआ था, देखो ए जो नंबर था फ्रैक्शन 5/3, ए क्या था 5/3 था 35/6, ये थोड़ा अच्छे से लिख लेती हूँ, ए देखो स्मॉलर साइड में था, ए नंबर स्मॉलर साइड में था, ये नहीं मैं 7/2 देख के बोल रही हूँ, देखो 35/6 ग्रेटर देन 7/2 यही है ना, 35/6 ग्रेटर देन 7/2, क्लियर कर देती हूँ समझ आएगा। देखो इधर क्या था 35/6 ग्रेटर देन 7/2, देखो ए 7/2 लेस देन के साइड में है, लेकिन अभी देखो क्या हुआ 7/5 ग्रेटर देन का साइड में आ गया। तो क्लियर है ये थ्योरी, क्लियर है। तो इसके साथ हमारा एक्सरसाइज 2.2 का जो एक्सप्लेनेशन पार्ट था वो खत्म हो रहा है।